नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कटोरी ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ और साथ ही साथ में हम ये भी जानेंगे कि किन कारणों की वजह से हम हमारे ब्लाउज में कटोरी और आरमोल के बीच में झोल आता है, हमारी कटिंग में या फिर हमारी सिलाई में ऐसी क्या मिस्टेक होती है जिनके कारण से झोल आ जाता है। तो देखो, आप इस वीडियो को फुल वॉच करोगे तो निश्चित रूप से कुछ आप सीख पाओगे, और अगर आपने पूरा वॉच नहीं किया तो देखिए इस प्रकार की कंफ्यूजिंग रह जाएगी। तो आइए, सबसे पहले तो मैं आपको परफेक्ट कटिंग बताऊंगी। जिस प्रकार से मैं कटिंग करती हूँ वैसे ही आप पहले फर्मा कटिंग करोगे। फर्मा कटिंग करने के बाद में आपको अपने ब्लाउज को जांचना होगा कि आपने जो कटिंग किया है वो मेजरमेंट आपका सही है या नहीं। उसको आप किस प्रकार से जांचोगे यह भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमारे पास लाइनिंग का कपड़ा है और ये मैंने ब्लाउज पीस लिया है। ये हमारा ब्लाउज पीस 1 मीटर है। ये मैंने ब्लाउज का कपड़ा जो लिया वो 1 मीटर है और ये 80 सेंटीमीटर है। तो हम अस्तर वाले ब्लाउज को आपको कटोरी की कटिंग और उसकी स्टिचिंग पूरी फुल स्टेप बताऊंगी, वो भी बहुत अच्छे से। और ये इसमें जो मेरी साइज है वो है 36। तो 36 चेस्ट की मैं आपको कटिंग बता रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए 30 चार्ट है ये हमारा, और इस चार्ट की वीडियो मैंने आज ही आपको अपलोड की है कि चार्ट मेजरमेंट फॉर ब्लाउज। तो आप ये वीडियो अवश्य देखिएगा, चार्ट के अकॉर्डिंग हम नेक विड्थ, शोल्डर और आर्महोल कैसे लेते हैं। तो ये है देखिए, इसमें 36 चेस्ट है और नेक बनाऊंगी मैं ये 6 इंच है, 6 और 11 बैक साइड का और 6 इंच आगे का। अब मुझे यहाँ पे चेस्ट का 13वां भाग नेक विड्थ मिलेगी, तो ये कितनी हो गई 2.7 यानी 3.25 इंच। यहाँ पे मुझे शोल्डर देखने हैं तो शोल्डर मुझे 11 इंच नेक के अकॉर्डिंग कितने रखने होंगे, 5.25 इंच यानी 5.23 है। तो इसको आप 5.25 कर सकते हो, 5 इंच रख सकते हो। तो इस हिसाब से जितना आपका डीप नेक है यहाँ पे आप 5 इंच भी रख सकते हो, कम कर सकते हो, इससे ज्यादा बिल्कुल भी 1 पॉइंट भी नहीं रख सकते। यहाँ पे हमें आर्महोल लेने हैं 6 इंच, ठीक है। ये तो हमारा मेजरमेंट हो गया है। अब मैं पहले इस पेपर पे इसकी कटिंग करूंगी और इस पेपर की फर्मा कटिंग से मैं पहले लाइनिंग का कटिंग करूंगी और इसके बाद में हम अपनी साड़ी के कपड़े पे कटिंग करेंगे। यहाँ पे मुझे सबसे पहले अपनी लेंथ लेनी है। लेंथ देखिए मुझे 14 तैयार करनी है, तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो 14+1/2 हो गई है। यहाँ पे मैंने 5.25 इंच शोल्डर लिए हैं। नेक विड्थ है हमारी 2.75, ये हो गई है 2.75 नेक विड्थ। नेक हम आगे से लेंगे 6 इंच, यहां से भी 2.75 और इस प्रकार से मिलाएंगे और ऐसे हम अपना नेक बना लेंगे। तो ये हमारा आगे का नेक हो गया है। यहां से मैंने 6 इंच पे आर्म होल लिए हैं, 1/4 इंच मैंने यहाँ पे सेप लगा दिया है। अब यहाँ से मैं चेस्ट का 3rd भाग, 36 है हमारा चेस्ट, 3rd भाग हो गया है 12 इंच। यहाँ से हम इसमें माइनस करेंगे 0.5 इंच। जितना भी आपका चेस्ट का 3rd भाग होता है कटोरी ब्लाउज में आप उसमें माइनस करेंगे। 32, 33, 34 तक आप 1/2 इंच करेंगे, 35, 36, 37 तक आप 0.5 इंच करेंगे और 38 के बाद में आप 40, 42 इसमें आप 1 इंच करेंगे। तो इस प्रकार से आप माइनस करेंगे यहाँ पे हम 0.5 इंच। तो ये हो गया 11.25 इंच पे हम कटोरी की मार्किंग करेंगे। मैंने आपको बताया है और मैं बताती जाती हूँ कि हम अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग और कटोरी की कटिंग करते हैं
तो कहाँ करनी चाहिए, शोल्डर से कितने नीचे करें? तो आपको बताया 30 से लेकर के और 34 तक आप आधा इंच कर लीजिए चेस्ट का थर्ड भाग, और 34 के बाद में 38 तक पौन इंच कर लीजिए चेस्ट का थर्ड भाग, 40 के बाद में आप 46 तक आप इसको 1 इंच कम कर दीजिए चेस्ट का थर्ड भाग 1 इंच माइनस, और उसके बाद में 45 के बाद में 46 के बाद में आप इसको 1.5 इंच कम कर सकते हैं चेस्ट के थर्ड भाग में। तो वो किस लिए? अपनी कटोरी की कटिंग करने के लिए शोल्डर से नीचे आते हैं तो चेस्ट का थर्ड भाग देखते हैं। यहाँ पे चेस्ट का थर्ड भाग हो गया 12 इंच, और 12 इंच में हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है 3/4 यानी 1/4 इंच, और यहाँ पे भी हमने 11.5 इंच पे स्ट्रेट लाइन लगा दी है। ठीक है, यहाँ पे हम पौन इंच का शेप लगाएंगे आगे के पार्ट के लिए, और इसको आप हाफ सेंटर से स्टार्ट करेंगे। ये आपका यहाँ पे शेप लग चुका है आर्म होल का, यहाँ पे आप जांच करेंगे 9 इंच तक, तो ये आपका 9 इंच की मार्किंग हो गई है। यहाँ से आपको 2 इंच और आगे चलना होता है मार्जिन की लाइन के लिए, तो ये मैंने यहाँ पे 2 इंच और आगे मार्जिन का भी ले लिया है। आप यहाँ पे 1.5 इंच भी मार्जिन रख सकते हो, अपनी जो आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए हम 6 इंच पे कटोरी की मार्किंग करेंगे। अब मैंने कटोरी के पार्ट्स के लिए यहाँ से देखिए 6 इंच लिया है। ठीक है, आप 6 या 6.5 अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हो। यहाँ से भी हम मिडिल सेंटर से भी यहाँ पे 6 इंच की मार्किंग करेंगे, और यहाँ पे हम इसमें 3/4 इंच की मार्किंग करेंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट हम मिलाएंगे 1, 2 और 3, तो इनको हम ऐसे मिलाएंगे। ये हमने यहाँ पे इसको मिला दिया है, ये हमारा जो कटोरी का पॉइंट है वो यहाँ पे मिल चुका है। अब ये बात आपको बता दूं एक बात और, कि यहाँ पे जो हमारा स्पेस है, ये जो मैंने 1.25 इंच शोल्डर लिए हैं 36 के अकॉर्डिंग, तो जब मैं ये कटोरी का ये जो पार्ट तीरे का पार्ट बोलते हैं इसको, यहाँ से लेकर के जब इस पार्ट को निकाल देंगे तो ये जो पार्ट रहेगा हमारा, इस पार्ट को हम यहाँ पे 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरफ में, तो वो मैं आपको आगे बता दूंगी, अभी आपके शायद समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले हम इसको अलग कर लेते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया नेक लाइन, आर्म होल बता दिए हैं, यहाँ पे चेस्ट का फोर्थ भाग बता दिया है, यहाँ पे आपको कमर का फोर्थ भाग हो गया हमारा, कमर है 32, यहाँ पे हमने 8.5 इंच लेना है, 8 इंच और प्लस 1/2 इंच, और इस फिटिंग की लाइन को यहाँ पे आपको 9 इंच में मिलाना है, उसके बाद 2 इंच का मार्जिन है तो मार्जिन को मार्जिन में मिलाना है। अब हमें इसको कटिंग कर लेना है, तो सबसे पहले मैंने नेक लाइन को कटिंग कर लिया है, और ये जरूरी नहीं है कि सबके 6 इंच की नेक लाइन हो, किसी के यहाँ पे नेक लाइन 5.5 की हो सकती है, 5 इंच की हो सकती है, और उसके बाद में 7 इंच तक ये नेक लाइन आगे की होती है, तो उससे इसका कोई मतलब नहीं है। जो हमारे शोल्डर और नेक विड्थ होती है उसका संबंध होता है बेक साइड के नेक से, आपका बेक नेक कितना है यह अहम रखता है। तो ये मैंने इसको यहाँ पे कटिंग कर दिया है जो हमारा आगे का पार्ट है। अब इसको हमें यहाँ से 1/2 इंच का ये हल्का सा शेप, राउंड शेप लगा देते हैं आगे की साइड में, और जो नीचे की हमारी होती है योग पट्टी उसको कट करके मैंने अलग कर दिया है। ये देखिए मैंने 14 इंच सिर्फ इसकी लेंथ ली है, इसमें एक्स्ट्रा अभी कुछ नहीं लिया है, जो भी एक्स्ट्रा लेना वो मैं अब बात को बताऊंगी कि आगे के पार्ट्स की यानी कि कटोरी के पार्ट्स की कटिंग करने के लिए हमें आगे के पार्ट्स में कितना एक्स्ट्रा लेना होता है। तो आप इसको पहले अलग कर लो। तो ये हमने वेस्टेज जो हमारा कटोरी का पार्ट से इसको अलग कर लिया है। अब मैं आपको इस कटोरी के पार्ट से और ओरिजिनल कटोरी बनाना बता रही हूँ। तो ये पार्ट आप ऐसे इस पे कटिंग कर सकते हो, डबल पार्ट ले लीजिए, जैसे ये कपड़ा डबल फोल्डेड है तो दो पार्ट आपको इसके काटने होंगे, दो पार्ट आपको इसके काटने होंगे। जब आप इस पार्ट को कटिंग करो, जैसे मैं अभी यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ, देखो यहाँ पे मैं सीम का इसमें एक्स्ट्रा लूंगी, तो यहाँ पे मुझे देखो इतना एक्स्ट्रा लेना होगा इसमें,
ये मैंने दोनों केसिंग का एक्स्ट्रा ले लिया है। दोनों पार्ट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? ऊपर वाला हमारा कटोरी का पार्ट्स और ये वाला हमारा योग पट्टी का। तो ये मैंने यहाँ पे योग पट्टी की कटिंग कर दी है। ये हमारी योग पट्टी के दो पार्ट्स कटिंग हो गए हैं और इसको मैंने इतना यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है वो सीम के लिए, इस पार्ट को इस पार्ट में जॉइंट करने के लिए जो हमें सीम चाहिए वो मैंने नीचे वाले पार्ट्स में अब ले लिया है। अब इस पार्ट को मुझे कटिंग करना है, इस पार्ट को कटिंग करके फिर मैं आपको यहाँ पे ये कटोरी का पार्ट्स कटिंग करना बताऊंगी। तो इस पार्ट को मैंने जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे नहीं रखना है, हमें जो किनारी की अपनी लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग अपने पार्ट्स रखने होते हैं। तो इस पार्ट को मैं यहाँ पे आपको ऐसे रख के बता रही हूँ। ये परफेक्ट हो गया है, बिल्कुल आपको यहाँ पे परफेक्ट मार्किंग करनी है। तो ये आपने देखा ये हमारी नीचे की योग पट्टी क्रॉस पट्टी है, ठीक है। ये हमारे तीरे का पार्ट है, इसको हम क्वार्टर इंच एक्स्ट्रा लेंगे कटोरी के पार्ट्स में। यहाँ पे इसको जॉइंट करेंगे इस पार्ट्स में, कटोरी वाले पार्ट्स में जब हम इसको जॉइंट करेंगे तो ये मैंने 1/4 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा ले लिया है। बाकी के जो पार्ट्स है देखिए यहाँ से भी बिल्कुल बराबर है, यहाँ से भी आपको बराबर लेना है, नेकलाइन भी आपको बराबर कटिंग करना है। तो इस पार्ट को हम इतना एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। कटोरी के लिए देखिए इसकी ड्रॉइंग कर ली है मैंने यहाँ पे और अब हम इसकी ड्राफ्टिंग करें। तो ये देखिए 6 इंच का हाफ इंच हाफ सेंटर करेंगे 3 इंच पे और इस हाफ सेंटर को आपको यहाँ पे डेढ़ इंच नीचे तक आपको इसको ड्राइंग कर लेना है। इस पॉइंट को आपको यहाँ से डेढ़ इंच तक मार्किंग करनी है इस पॉइंट को। अगर आप यहाँ पे 1/4 इंच ले रहे हो तो आपको 1/4 इंच तीनों पॉइंट लेने होंगे, ये वाला और ये वाला। अगर आप 1/2 इंच ले रहे हो तो तीनों पॉइंट बराबर में 1/2 इंच होने चाहिए। अब हम इस पॉइंट को ये जो आपकी नोक है इसको हल्का सा 1/4 इंच नीचे ले लीजिए, इसको 1/4 इंच नीचे ले लीजिए। अब इस पॉइंट को टच करती हुई ये जो लाइन है यहाँ से इस पॉइंट को टच करती हुई यहाँ तक आपको जाना है आगे, मतलब 1/2 इंच तक। तो इसको आपको कैसे ऐसे रखना है, देखो कटोरी का पार्ट्स कुछ इस तरह से कटिंग होता है। अब आप यहाँ से इस लाइन को देख लो कि 1/2 इंच कहाँ, वहां पे आप कट लगा दो, ये आपका 1/2 इंच यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से इस पॉइंट को टच करती हुई ये लाइन आपकी यहाँ से ऐसे जानी चाहिए। ये देखिए ये पॉइंट आ गया है हमारा बीच में और यहाँ से हम चलेंगे तो इस प्रकार से हम इस लाइन को टच करते हुए यहाँ पे आ गए हैं। तो ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे बराबर है 1/2 इंच का हो गया है आपका मार्किंग यहाँ पे। अब आप बीच वाली लाइन को 3 इंच तक यहाँ से और ये 3 इंच तक मैंने इसको यहाँ पे ड्राइंग कर दिया है। अब ये जो पॉइंट आपको इसको मिलाना है यहाँ पे तो 1/4 इंच आप आगे आ जाइए नेक लाइन को और इसमें मिला दीजिए। यहां से आप 1/2 इंच ऊपर चले जाइए सीम अलाउंस के लिए जो भी आपकी एक सिलाई का हो और यहाँ से आपको 1 इंच तो ये पॉइंट आप ऐसे मिला दीजिए 1/2 इंच 1 इंच और 1/2 इंच को आपको ऐसे मिला देना है। जैसे हमने ड्राइंग की हुई है वैसे हम इसको कट कर लेंगे। ये हमने इसको कट कर लिया है अपनी कटोरी के पार्ट्स को और ये 2 पार्ट्स में है और ये दोनों पार्ट्स हमारे ओके हैं। अब हम आपको बीक पार्ट कटिंग करना बता रहे हैं। हम अपनी बीक पार्ट्स की लेंथ भी 14+2 लेंगे। यहाँ पे हम शोल्डर 1/4 इंच लेंगे। यहाँ पे हम नेक विड्थ 2.75 लेंगे। आर्म होल हम 6 इंच लेंगे और चेस्ट हम 9 इंच लेंगे। तो ये हमारा 9 इंच चेस्ट हो गया है यहाँ पे, ये देखिए 9 इंच। यहाँ पे हम जो शेप लगाते हैं अपना राउंड शेप वो हम 1/4 इंच का लगाएंगे और इसको हम ऊपर से ऐसे इस प्रकार से ड्राइंग करते हुए और आपको ऐसे मिला देना है। ये आपका 36 का जो है कर्व हो गया है बेक साइड का। अब आपको यहाँ पे नीचे 11 इंच का 11 इंच पे मार्किंग करना है। नेक की जो विड्थ नीचे से हम यहाँ पे ब्रॉड नेक 3 इंच करेंगे, ऊपर से हम
2.75 और नीचे से 3 इंच। तो इस प्रकार से आप अपने नेक को ब्रोड, हल्का सा ब्रोड दे सकते हैं नीचे से। तो ये मैंने यहाँ पे स्क्वायर में बनाया है, इसको आप राउंड, इस प्रकार से राउंड भी लगा सकते हैं। तो ये आपका, आपको हल्का सा यहाँ पे ब्रोड किया है, आप चाहे तो ज्यादा कर सकते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ 5 इंच ही शोल्डर लेने। अगर आप इससे ब्रोड नेक पहनना चाहते हैं नीचे से, तो आपको जो शोल्डर होते हैं वो 5 इंच लेने होंगे। 5 इंच और ये यहाँ पे हमारी फिटिंग की लाइन हो गई है। यहाँ पे आपको 2 इंच का मार्जिन लेना है, ये 2 इंच का इस तरफ मार्जिन हो गया, 2 इंच का यहाँ पे मार्जिन, को मार्जिन की लाइन में मिला दीजिए और ये आपका मार्जिन की लाइन हो गई है। ये परफेक्ट आपकी फिटिंग की लाइन, ये मार्जिन की लाइन। यहाँ पे आपको 4.25 इंच पे डार्ट लगानी होती है और इसको आप 4 इंच तक रख लीजिए नेक की अकॉर्डिंग। तो 1/4 इंच इस तरफ और हम 1/4 इंच इस तरफ लेंगे। तो ये हमारी बिग साइड की जो डार्ट हो गई है 1/2 इंच की, तो ये हमारा बिग पार्ट जो हमने ड्रॉइंग किया है, वैसे हम इसको कट करेंगे। जितना हमने शेप आगे की पार्ट्स में लगाया था, उतना ही हम नेक लाइन से यहाँ पे शेप लगा देते हैं। एक बात और ध्यान रखिए आप, अगर आपके नेक जो गिर रहे हों, गिरने का प्रॉब्लम होता है आपके, तो आप ये वाला जो शेप बिल्कुल ना लगाएं, किसी भी ब्लाउज में ना लगाएं, आप बिल्कुल शेप ना लगाएं, ब्लाउज को डायरेक्टली रखें, विदाउट शेप आप अपने ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करें। ये वाला जो हमने 1/4 इंच का शेप लगाया, ये आप ना लगाएं। फिर हमने अपने बिग पार्ट को कटिंग कर लिया है और अब हम आप इसको साड़ी के कपड़े पे कटिंग करते हैं। बाजू की चौड़ाई के लिए देखिए, आपको 9 इंच चौड़ाई में कपड़ा चाहिए होता है, तो इसको डबल कर लिया है मैंने। और अब हम इसकी लेंथ जान लेते हैं। तो हमें 4 इंच तैयार चाहिए, तो आप 4.5 की लेंथ ले लो। लेंथ के ऊपर आपको 2.25 इंच की इस प्रकार से मार्किंग करनी है। फिर आप 2.25 इंच इस प्रकार से नीचे आइए और यहाँ पे आप आर्मोल की मार्किंग कीजिए। आर्मोल की मार्किंग हम 7 इंच पे कर रहे हैं, 2 इंच हमने मार्जिन ले लिया। तो ये जो 7 इंच का पॉइंट है, इसको आप 2.25 में ऐसे मिला दीजिए और अब आपको यहाँ से हल्का सा इसको बेक पार्ट को ऐसे हल्का सा राउंड लगा दीजिए। तो ये हमारी बेक लाइन हो गई है जो पीठ की साइड की होती है। यहाँ पे आगे के शेप के लिए आपको 1/2 इंच पे ये पॉइंट लगाना होता है और इसको आपको ऐसे पत्ती नुमा आकार बना लेना होता है। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे पत्ती बना ली है। तो ये हमारी आगे की कटिंग का है, ये हमारी फिटिंग लाइन है। यहाँ से हम बॉटम्स के लिए 5.5 इंच कर रहे हैं और 7 इंच को हम ऐसे 5.5 में मिला देते हैं। 2 इंच का हम मार्जिन फिर लेंगे, इस मार्जिन को हम इस लाइन में ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारी मार्जिन हो गई है, ये हमारी फिटिंग लाइन है, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने एक बाजू की कटिंग है, इसी प्रकार से हम दूसरी बाजू को भी इसके बाजू के ऊपर रख करके बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो ये अब आप एक पार्ट निकालेंगे इसकी और आगे का जो शेप है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने आपको सारे जो पार्ट से कटिंग करके दिखाए हैं, अब हम इनको कपड़े पे कटिंग करते हैं। अब हमने अपने पार्ट की कोडिंग और यहाँ पे कटिंग करने बिल्कुल बराबर में, इसके बराबर इसको, इसके बराबर इसको और इस पार्ट के बराबर आपको इसको कट कर लेना है। इनकी अब जरूरत नहीं है, जो हमारे पार्ट्स है इनके बराबर हम बिल्कुल बराबर में पार्ट्स कटिंग करेंगे।